नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं देवभूमि मिरर टीवी। रविवार को सुजानपुर में राज्य स्तरीय व्यापारिक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रदेश भर से आए हुए व्यापारियों ने जोरदार तरीके से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रविवार को सुजानपुर में व्यापार मंडल का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता सुजानपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने की। वहीं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के संयोजक अमरचंद शर्मा ने एकल बिंदु कर की मांग को जोरदार तरीके से व्यापारियों के समक्ष रखा और व्यापारियों ने एकल बिंदु कर का समर्थन भी किया। अमरचंद शर्मा ने कहा कि जहां जिस वस्तु का उत्पादन किया जाए वहीं पर कर की वसूली की जाए। अभी हमारे यहां पे एक फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल बना हुआ है दिल्ली में, तो उन्होंने मुहिम चलाई है एकल बिंदु जीएसटी टैक्स, जहां से जो चीज तैयार होती है वहीं हमारे से 10-15% टैक्स ले लो, उसके बाद व्यापारी को फ्री हैंड छोड़ दो, मत पूछो उनको व्यापार करने दो, क्या सही है? सही है, सही है। दूसरा, विदेशी व्यापार, खुदरा व्यापार, वो इंडिया में नहीं होगा, क्या ये सही है? ये हमारी पार्टी किसी राजनीतिक से, किसी धर्म से, किसी जाति से संबंधित नहीं है। हम व्यापारी हैं, हम व्यापारियों के दुकानों में हर जाति का, हर मजहब का व्यापार मतलब खरीदार आता है, हम किसी को इनकार करते हैं क्या? कोई ऐसा केस कोई बना है किसी व्यापारी के ऊपर किसी भी जाति से, जाति संबंधित है वो व्यापार करता है उसकी दुकान पे नहीं जाना है? हुआ कभी ऐसा? हमारे ऊपर एक काला कानून क्यों बनाया गया है दिल्ली में बैठ के? जातिवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं, हमें लड़ा रहे हैं, व्यापारियों को लड़ा रहे हैं, जनता को लड़ा रहे हैं, ये राज करना चाहते हैं, ये नीति है कोई? ये नीति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काले कानून नहीं बनना चाहिए इंडिया के बीच में, ये गलत है कि सही है? ऐसे कानून बनना चाहिए? 790 वहाँ के सांसद बैठे थे, 545 जो है वो सांसद है और राज्य सांसद जो है 245 है, किसी ने हाथ खड़ा किया जो अभी काला कानून बन रहा था? किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? हम कुछ किसी जाति से कोई किसी को हम मतलब ये कर रहे हैं, हम सब भाई हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हैं, हम भाई हैं, व्यापारी हैं। 25 सितंबर को हमारा सम्मेलन यहाँ हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर में, तो जैसे हम सभा कर रहे हैं वो कोई नहीं पूछने वाला। अभी भाई जी ने कहा शिमला जाके सम्मेलन करेंगे, अंधे के आगे बीन बजाना नाचना क्या फायदा उस चीज का? इनके ऊपर कोई अमल नहीं होता है। 4 सालों से प्रधान जी यहाँ हमारे सुमेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, 7-8 हमारे पॉइंट है, हर वक्त वही रिपीट होते हैं, उनके लेकर कभी वीरभद्र जी के पास जा रहे हैं, यहाँ ज्वालामुखी मिले थे हम, मीरपुर में मिले थे हम, शिमला मिले थे, अभी 10 फरवरी को जब अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी बने थे उनको सम्मानित करने हम वहां गए थे तपोवन में अपनी समस्या लेके, लेकिन उनमें से क्या एक समस्या हल हुई? 10 लाख का जो व्यापार करता है व्यापारी उसको 20 लाख तक कर दिया, ठीक है, माना गवर्नमेंट ने कर दिया। हम माननीय अपने अध्यक्ष जी को एक सीएम के बराबर मानते हैं, क्या कहीं मंच पर इनकी कुर्सी लगती है? कहीं नहीं लगती।